तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? यह आप लोग अच्छे हो? आप लोग मेरी तरफ फोटो एडिट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं इसमें करवा चौथ फोटो एडिट करना बताए हैं, तो हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, आप लोग भी शुरू से लेकर वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। तो आप लोग भी मेरी तरह करने के लिए सीख जाइएगा। तो मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से चलते हैं पिक्सआर्ट ऐप में। मैं जितना भी PNG मैं यूज करूँगा मैं अपने सारे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरा फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से पिक्सआर्ट ऐप में जाना है। पिक्सआर्ट ऐप में जाने के बाद अलाउ दे दीजिएगा। यहाँ से ऑल फोटो पर क्लिक करना है। ऑल फोटो पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड है, यहाँ से टूल्स पर जाना है। टूल्स पर जाने के बाद रिसाइज पर जाना है, उसको यहाँ से 4233 कर लीजिएगा और इसको 34 कुछ इसी तरीके से यहाँ से रिसाइज हो जाएगा। यहाँ से कर जाने के बाद यहाँ पर ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद आप लोग जिस फोटो करना चाहते हो उसका बैकग्राउंड आप पहले भी रिमूव कर लीजिएगा। आप लोग रिमूव नहीं करना आता तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव करना सीख जाएंगे HD में। यहाँ से प्लस में प्लस पर जाना है। प्लस पर जाने के बाद ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद ये लड़की वाला है जो PNG, इसको कुछ इस तरीके से आप बैठा देना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी बैठा लेना है। उसके बाद प्लस पर जाना है। उसके बाद फिर ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद ये वाला टिका वाला PNG है, जिसको कुछ इस तरीके से आप बैठा लेना है। फिर यहाँ प्लस पर क्लिक करके ऐड फोटो पर जाना है। एक करवा चौथ वाला जो PNG है उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है। बनाने के बाद बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से, देखिए। उसके बाद यहाँ पर सही कर लेना है। सही करने के बाद यहाँ पर टूल्स पर जाना है। उसके बाद क्रॉप पर जाना है। आप लोग जितना रखेंगे उतना काट लीजिएगा आप लोग। मैं इतना फोटोग्राफी यहाँ पर सही कर लेना है। सही करने के बाद यहाँ से जाना है ड्रॉ पर। ड्रॉ पर जाने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद ये वाला लाइटरूम है, यहाँ से लाइटरूम ऑल फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला मेरा प्रीसेट है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से कॉपी सेटिंग पर यहाँ पे सारे सेटिंग डिलीवर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैग जाके जो अपना फोटो किए थे उस पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे पे सेटिंग क्लिक कर लेना है। एक क्लिक में कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखिए, बिफोर एंड आफ्टर। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हमारे चैनल पर इस तरह का फोटो एडिटिंग वाला वीडियो आता रहता है, तो हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो वॉच करने के लिए। बाय बाय।